प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक अनोखा चश्मा लगाया, जिसकी चर्चाएं पूरे देश में हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेटावर्स टेक्नोलॉजी का वेब 3D वाला चश्मा लगाया। आखिर मेटावर्स में ऐसा क्या है, क्यों हर कोई इसकी बात कर रहा है और भविष्य में ये कैसे हमारी दुनिया को बदलने वाला है? भविष्य में इस तकनीक के आने के बाद क्या वाकई में हम वास्तविक और वर्चुअल दुनिया में फर्क करना भूल जाएंगे? आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। मेटावर्स एक ऐसी मायावी दुनिया है जहां आपकी मौजूदगी नकली होगी लेकिन काम असली होंगे। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस का अनुमान है कि 2024 तक मेटावर्स का बाजार $800 बिलियन तक हो जाएगा और बैंक ऑफ अमेरिका ने मेटावर्स को उन 14 टेक्नोलॉजी में शामिल किया है जो हमारी जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रही है। अब जानते हैं मेटावर्स क्या है। मेटावर्स एक तरह की आभासी दुनिया है। इस तकनीक से आप वर्चुअल आइडेंटिटी के जरिए डिजिटल वर्ल्ड में घुसते हैं, यानी आपका शरीर वहाँ नहीं होता, आपकी जगह आपका एक रूप वहाँ मौजूद होता है। यह एक दुनिया होती है, यहाँ आपकी अलग पहचान होती है। मेटावर्स ऑगमेंटेटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कई टेक्नोलॉजी को मिलाकर काम करता है। इसके लिए वर्चुअल हेडसेट की जरूरत होती है। इसके जरिए आप वर्चुअल दुनिया में घुस जाते हैं। इस वर्चुअल दुनिया में हम और हमारे दोस्तों के वर्चुअल 3D अवतार होंगे, जिनके साथ हम मेटावर्स में कुछ भी कर सकेंगे जिसे हम वास्तविक दुनिया में कर सकते हैं। यहाँ हम अपने रहने के लिए वर्चुअल घर और जमीन खरीद सकेंगे। मेटावर्स पर हम अपने दोस्तों के साथ डिस्को में एंजॉय कर सकेंगे, उनके साथ खेल का लुत्फ उठा सकेंगे, फिल्में देख सकेंगे। हालांकि इन सब चीजों को अंजाम देने के लिए हमारे VR बॉक्स का होना जरूरी होगा। मेटावर्स वर्चुअल रियलिटी के बाद की दुनिया यानी ऑगमेंटेटेड रियलिटी पर आधारित है। मेटावर्स दुनिया का बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म बनेगा। विभिन्न संसाधनों और कंपनियों के सहयोग से इन्हें बनाने में कई साल लग सकते हैं। तो वस्तुओं और सेवाओं के जरिए अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जब उस तरह के संसाधनों की जरूरत पड़ेगी जो मौजूद नहीं है, तो संभव है कि नई कंपनियां भी बनेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, Zee Media।